सिनेमाटोग्राफी। नॉर्मल आंखों को चौंक आने का एक बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीका है, और इस सोफिस्टिकेशन के पीछे भी बहुत करप्शन है। अब हर टाइम आंख बंद करके तो नहीं रह सकते ना। अगर तुम वीडियो बनाने, फिल्म मेकिंग का शौक रखते हो ना, तो ये चीज तुम्हें अपने पास कभी ना कभी तो बुलाएगा ही, भले ही तुम्हें पहले एग्जैक्ट डेफिनेशन ना पता हो, फिर भी बिकॉज ऑफ मूवीज जो हमारे आंखों के साथ हाई क्वालिटी का परिचय करवाता है। हिंदी क्यों पता है? बिकॉज द मूवीज पेंड रियलिटी इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। रियल दुनिया उतना सुंदर नहीं है, और हम इंस्पायर हो जाते हैं और फिर करते हैं। पहले ना सब अच्छे लगते हैं, फूल, पत्ते, पानी की बोतलें, सब कुछ, बट बहुत जल्दी उस फूल के आगे ना स्ट्रेस चला आता है, क्योंकि वो रिजल्ट्स ना हमें पसंद नहीं आने लगता क्योंकि रिजल्ट्स हमें पसंद नहीं आ रहा होता। चलो पहले सबसे छोटे से शुरू करते हैं, फिर बड़ा आएगा, क्योंकि हम भी पहले शुरू करते हैं गियर्स से। ओवर कंज्यूम करते हैं हम, और गाली पड़ता है हमारे गियर्स कैमरास को, इसको देख साला ये 4 के बच्चे, जो बस चैलेंज की शुरुआत है। क्योंकि मेरे जैसे स्मॉल सिटी में रहने वाले लोग फिर लोकेशन की चैलेंज में पड़ जाते हैं, स्पॉट ढूंढना आसपास, सुंदर जगह, सुंदर व्यू, कुछ मिलते हैं तो भी वो कुछ दिनों बाद काम नहीं करता यहाँ पे। बट हमें तो वो स्पॉट, वो लोकेशन, वो व्यूज अच्छे लग रहे थे पहले। दैट्स ट्रू, बट रिमेंबर द मूवीज, बेंड रियलिटी इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। दे बेंड रियलिटी, बट यू कांट। रियलिटी छोड़ो, तुम तो लोगों को भी बेंड नहीं कर सकते। बड़ा चैलेंज। क्राउड, लोग जो तुम्हारे शॉट्स के लिए कोरियोग्राफ्ड होके ना तो चलेंगे ना तुम्हें देंगे। क्या देंगे? परमिशंस। किस चीज का परमिशन? स्मॉल सिटीज, स्मॉल अपॉर्चुनिटीज, लेकिन हैं, थोड़े बहुत मिलते हैं, जिसमें कुछ पार्क्स होते हैं, मंदिर होते हैं, टेम्पल्स होते हैं। टाइम का इशू है, उन तक पहुंचने में ही टाइम लग जाता है। गोल्डन आवर तो इतने टाइम तक रहता है, और उससे पहले ही मंदिर मस्जिद सब बंद हो जाते हैं। और जितने भी पार्क्स खुले रहते हैं उसमें फोटोग्राफी, मोबाइल कैमरा अलाउड है, लेकिन फोटोग्राफी कैमराज के लिए तुम्हें 500,000 रुपया देना पड़ता है। और कहीं पे भी चोर चक्को वाला स्नीकी टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ मंदिर मस्जिद में घुस भी जाओ तो वहाँ पे फोटोग्राफी नॉट अलाउड, कैमराज नॉट अलाउड, वीडियोग्राफी नॉट अलाउड, मंदिर की पिक्चर लेना नॉट अलाउड, थोड़ा बहुत इधर उधर का ले लिया तो वो देख लेंगे तो पूरा डिलीट। So we try again at night. वही घूम फिर के फिर गियर्स को कोसना स्टार्ट कर देते हैं कि साला लो लाइट है, लोकेशन ठीक नहीं है, मेरे कैमरा या फोन पे डायनामिक रेंज नहीं है, कैमरा सोनी का होता ना या लोकेशन थोड़ा सेक्सी होता ना, जो है भी सही रियलिटी, बट हम नाइट सीन्स को ब्यूटीफुल देखते आए हैं मूवीज में, शोज में, बाकी जगहों में, और हमें अब वही रिजल्ट्स। सबकॉन्शियस मदर स्टोरी की इस पार्ट में ना मुझे तुम्हें फिर से याद दिलाना है इस पॉइंट को, सब अच्छे लगते, क्योंकि इसमें ही छुपा है राज, चैलेंज को कम करने का नहीं, चैलेंज से डील करने का। चैलेंजेस तो आएंगे ही, और चैलेंजेस सबसे ज्यादा आता है बिगिनर्स को। कंटेंट क्रिएशन लोगों की खून में जितना दौड़ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर की तरह चैलेंजेस बढ़ता जा रहा है क्रिएटर्स के लिए। अब द बिगिनर्स गाइड टू क्रिएटिंग वीडियो जैसा कोर्स तो मेरे टाइम में था नहीं, जिसपे बेस्ट क्रिएटर्स एंड स्टोरी ब्लॉक्स एक्सपर्ट्स मिलके वीडियो क्रिएशन की हर एक प्रैक्टिकल चैलेंजेस को सॉल्व करना दिखा रहे हैं, टू मेक हाई क्वालिटी इफेक्टिव वीडियोस तुम्हारे स्टार्टिंग से ही, एक के बाद एक फोकस्ड एपिसोड्स के साथ। बट तुम लोगों के पास है मौका स्टोरी ब्लॉक्स के इस कोर्स को चेक करने का। हाँ, वही स्टोरी ब्लॉक्स जिनके म्यूजिक्स तुम सुन रहे हो अभी। हाँ, हाई क्वालिटी स्टॉक फुटेजेस, SFX टेम्पलेट्स जैसा 1 मिलियन प्लस लाइब्रेरी तो है ही, सब रॉयल्टी फ्री, जो कॉन्स्टेंट अपडेट होता है, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी इनके प्लान्स के साथ तुम्हारे बजट्स का। सो डू चेक आउट द कोर्स एंड स्टोरी ब्लॉक्स फ्रॉम द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और गो टू storyblocks.com/any एंड फेस द चैलेंजेस लाइक ए प्रो। प्रो इज जस्ट अ माइंड सेट, एंड द माइंड ऑब्जर्व सब कुछ। जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके तुमने पहले चीजों को उन वे में देखा था जो नॉर्मल आंखें नहीं देख पाती है, उस पे थोड़ा ब्रेक आया है, क्योंकि अब तुम्हारा ब्रेन नेता बन चुका है और उसे अभी पर्पस चाहिए इस टेक्नोलॉजी को फिर से यूज करने के लिए। अब तुम्हारे लिए इलेक्शन तो पर्पस नहीं हो सकता, बट टॉपिक हो सकता है एक्सपेरिमेंटली से ही। बट अगर हर शूट के पीछे एक स्पेसिफिक टॉपिक आइडियाज नहीं बोल रहा, फुल फ्लेज आइडिया नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक्स होते हैं, उस टॉपिक को अगर पहले से डाल दोगे, फिक्स कर लोगे ना, तो उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इसके लिए न्यू हो जाएगा फिर से। क्यों? क्योंकि ब्रेन उस टॉपिक के रिलेटेड हर चीज की डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स को फिर से ऑब्जर्व करेगा। क्राउड, ट्रैफिक इज ग्रेट अगर तुम्हारा टॉपिक पीपल है, एक्सप्रेशन है, कल्चर है। टॉपिक चूज करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। एक बार ना इसे स्टेप्स की तरह देखो, ऑब्जर्व, क्रिएट टॉपिक, क्रिएट मोर, अपलोड।
रिपीट, क्रिएट मोर, मे बी सेलिंग, अपलोड मोर, देन अर्न, अपग्रेड। ये लास्ट वर्ड ना अपने आप में एक टॉपिक, एक पर्पस है। घर और अपनी सिटी से भी निकलो, क्योंकि स्टोरीज इकट्ठा करना है जो तुम्हें पैसों से भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। किस चीज में? इस वीडियो की फर्स्ट एक्ट में आई सेड बेंड रियलिटी व्हाट यू कांट एंड यू कैन नॉट विद दिस, बट यू कैन इन योर स्टोरी। इस वीडियो की जितने सिनेमाटोग्राफी, जितने शॉट्स तुमने देखे ना, वो हमने एक दिन में लिए हैं, और वो एक दिन मेरा एटलीस्ट वन ऑफ द वर्स्ट डे ऑफ शूट है। ना तो टाइम अच्छा था, ना तो सिचुएशन अच्छा था, locations छोड़ ही दो, नॉट अलाउड कोई भी इंटरेस्टिंग चीज, इंटरेस्टिंग एक्शन, एक भी चीज मेरा मन पसंद का नहीं हुआ। अब सोचो यही किस्सा, ये अनसेटिस्फाइड शॉट्स के बारे में मैं तुम्हें पहले ही वीडियो की पहले ही कैजुअली बता देता, तो तुम इन सारे शॉट्स, ये पूरे सिनेमाटोग्राफी को किस टेक्नोलॉजी से देखते, स्टोरी टेलिंग, उसी को फॉलो करके मैं लाइक्स और कॉमेंट्स करने की तरह ये लास्ट में बता रहा हूँ तुम्हें। बट ऑलवेज रिमेंबर, हर रेजोल्यूशन की तरह सिनेमाटोग्राफी स्किल्स को भी ग्रो होने के लिए ना एक पर्पस चाहिए होता है, चाहे वो न्यू ईयर हो या न्यू 2022 खत्म हो गया।